आने वाला साल यानी 2020 काफी धमाकेदार साबित होने वाला है। इस साल रजनीकांत की फिल्म दरबार, दीपिका की फिल्म छप्पाक और अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन तीनों ही फिल्मों का अगले साल बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार टकराव देखने को मिलेगा। ये तीनों ही फिल्में अगले साल 10 जनवरी को रिलीज हो रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है। फिल्म के बारे में बात करते हुए दीपिका पादुकोण ने बताया कि छपाक की कहानी रियलिटी पर आधारित है। छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित फिल्म है। छपाक साल 2020 में 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। बता दें कि शादी के बाद दीपिका की ये पहली फिल्म है। इसके अलावा दीपिका पति रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में नजर आएंगी। फिल्म तानाजी में अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान एक साथ नजर आएंगे। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म तानाजी अगले साल 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म में अजय देवगन तानाजी मालुसरे की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं काजोल उनकी पत्नी सावित्रीबाई का किरदार निभा रही हैं। बता दें कि अजय देवगन की ये 100वीं फिल्म है। गौरतलब है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में तानाजी मालुसरे एक सैन्य नेता थे। मराठा योद्धा तानाजी ने शिवाजी महाराज के लिए कई युद्ध लड़े थे। तानाजी मालुसरे ने 1670 ईस्वी में कोढ़ाणा किले सिंहगढ़ को जीता था। जब शिवाजी महाराज सिंहगढ़ किले को जीतने निकले थे तब तानाजी मालुसरे अपने पुत्र के विवाह में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही तानाजी को शिवाजी का समाचार मिला वह विवाह छोड़कर युद्ध में चले गए। तानाजी के नेतृत्व में दुर्गम कोढ़ाणा दुर्ग पर हिंदू वीरों ने रात में आक्रमण किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि तानाजी ने सिर्फ 342 सैनिकों के साथ दुर्गम कोढ़ाणा दुर्ग पर हमला किया था। सुपरस्टार रजनीकांत तमिल फिल्म दरबार में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत फिल्म में 25 वर्षों बाद एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म से पहले रजनीकांत ने 1992 में आई फिल्म पांडियन में एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था। फिल्म दरबार में रजनीकांत के साथ नयनतारा नजर आएंगी। अभिनेत्री नयनतारा और रजनीकांत की यह एक साथ चौथी फिल्म है। इससे पहले नयनतारा और रजनीकांत ने चंद्रमुखी, कुशेलन और शिवाजी में साथ काम किया है। फिल्म का निर्माण ALYCA प्रोडक्शन द्वारा किया जा रहा है, जिसने फिल्म 2.0 का निर्माण भी किया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।